देखो देवसेना ने हमारी सारी पतंगे फाड़ दी। अब हमारे पास पतंग लूटने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। अगर मैं पतंग लूटने गई तो मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तो क्या हम 15 अगस्त में पतंग नहीं उड़ाएंगे फिर? चला जा गेंडे की छेती से शकल दे। महाराज, देवसेना और बाहुबली ने हमारे राज्य के सारे पतंग लूट लिए। अब हम 15 अगस्त में क्या करेंगे? क्या ये सही कह रहा है देवसेना? पहले मेरे पतंग में कन्ने बांध। ए बाहुबली, देवसेना के पतंग में कन्ने बांध। ओ नल्ले, मैं तेरे बाप का नौकर नहीं। मुझे लगता है कि तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो बाहुबली। ओ पागल बुढ़िया, बेइज्जती करनी रहा है बेइज्जती कर दी। इस महा अपराध का दंड क्या है बताया जाए? इस अपराध का दंड ये है कि बाहुबली और देवसेना से पतंगे छीन ली जाए। इस पर अमल किया जाए। अगर किसी ने मेरे पतंग पे हाथ भी लगाने की कोशिश करी तो ये तलवार उसके ऐसी जगह डालूंगा ना वो हगने के लायक रहेगा और ना ही बैठने के। अपनी हद पार कर रहे हो बाहुबली।